मूवी शुरू होती है गिलहरी से, जो एक बबूल का फल लेके बर्फ में तेजी से दबाती है, जिससे बर्फ का पहाड़ क्रैक हो जाता है और वो वहां से भागती है अपनी जान बचाने के लिए। तभी वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जहाँ पे सभी जानवर रहते थे। सभी जानवर वहां से जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे हर साल बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम सिद है, जो कि एक स्लॉथ है। वो पेड़ पे सो रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहां से सभी जानवर जा चुके हैं। तभी वहां से एक कछुआ गुजरता है, जो वहां पे याक कर देता है और सिट के पैरों में लग जाती है। सिट कहता है, ओ याक, छी, और वो अपना पैर साफ करते हुए दो राइनो के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है कार्ल और फ्रैंक। वो दोनों एक डैंडेलाइन को देख के आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सिड वहां आता है और कहता है, ओ डैंडेलाइन, जिसे वो देख के खा जाता है। राइनोस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो इस सीजन का आखिरी डैंडेलाइन था। अब वो दोनों सिड को मारने के लिए आते हैं। तभी सिड को एक पाइन कोन भी मिलता है, जो उनसे पूछता है तुम खाओगे, और खुद ही खा जाता है, जिससे उन दोनों राइनो को और भी गुस्सा आ जाते हैं और सिड के पीछे पड़ जाते हैं। सिड वहां से भागकर एक हाथी के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। दोस्तों, ये हाथी मूवी का सेकंड मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम मैनफ्रेड है। हाथी यानी कि मैनफ्रेड उन दोनों राइनोस को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इस वजह से उन दोनों से उसे फाइट करनी पड़ती है, और मैनफ्रेड और सिड दोनों खाई में गिर जाते हैं। तभी सिड वहां से जाने लगता है। वो देखता है कि वो दोनों राइनोज अभी भी उसका वेट कर रहे हैं। ये देख के वो वापस मैनफ्रेड के पास आ जाता है और उसके साथ जाने लगता है। मैनफ्रेड से दोस्ती करना चाहता है, बट मैनफ्रेड उससे ज्यादा बात नहीं करता है। दूसरी तरफ हम इंसानों की बस्ती देखते हैं, जहाँ पर एक क्यूट लिटिल बेबी भी है, जिसे टाइगर्स मारना चाहते हैं, क्योंकि टाइगर्स की फैमिली को इंसानों ने खत्म कर दिया है और उनकी खाल का यूज करते हैं। तभी वहाँ पे हमें टाइगर्स का कुछ झुंड दिखाया जाता है, जिसमें दोस्तों मूवी का थर्ड मेन कैरेक्टर, जिसका नाम डिएगो है, वो होता है, और एक सूडो होता है उसका सरदार। डिएगो से उसका सरदार सूडो कहता है कि तुम इस बच्चे को लेकर आओगे और हम इसे वहाँ के नाश्ते में खाएंगे। वो लोग प्लान बनाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि मैनफ्रेड और सिड लकड़ी लेकर आते हैं, और सिड अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आग जला के दिखाऊंगा, लेकिन तो वो बारिश में आग जलाने की कोशिश करता है, बट उससे आग नहीं जलती है और वो बारिश में बैठ के भीग रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइगर ने इंसानों की बस्ती पर अटैक कर दिया है। इंसानों और टाइगर्स में लड़ाई होती है, जहां डिएगो पीछे से वहां छुप के जाता है और बच्चे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एंड वक्त पे वहां बच्चे की माँ आ जाती है और उसको लेके वहां से भाग जाती है। वो झरने के पास जाती है और वहां पे कूद जाती है। डिएगो और सभी टाइगर्स वहां देखकर फिर वहां से चले जाते हैं। सूडो डिएगो से बोलता है, तुम अगर इस बच्चे को लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और वहां से वो हैपिक चले जाते हैं। इधर बच्चे का फादर देखता है कि उसकी वाइफ और बच्चा दोनों झरने में कूद गए हैं, और ये देख के वो बहुत दुखी होता है। वहां से उसका लॉकेट उठा के चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सिड मैनफ्रेड को अपनी बातों से पका रहा होता है। तभी मैनफ्रेड बोलता है कि अपने दोस्तों के साथ हमेशा लॉयल रहो। इस पर सिड बोलता है, जिंदगी भर बस एक ही लड़की के साथ? नहीं, मैं तो नहीं रह सकता। तभी उन दोनों को वो लेडी नजर आती है अपने बच्चे के साथ। वो दोनों झरने के पास जाते हैं। सिड बच्चे को उठा लेते हैं। तभी मैनफ्रेड वहां से जाने लगता है और कहता है, वो लेडी तो चली गई। सिड कहता है कि इसकी हेल्प करो, बट मैनफ्रेड कहता है, मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, और वहां से जाने लगता है। मैनफ्रेड को बोलता है कि हे, इस बच्चे को हम इसके फादर तक पहुंचा देंगे। मैनफ्रेड कहता है, मैं इसे नहीं पहुंचा सकता और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। मैनफ्रेड बोलता है, ठीक है, मैं इसको लेके खुद ही चला जाऊंगा, और वहां से वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी वो मैनफ्रेड भी उसके पीछे पीछे ही आने लगता है। सिड पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। सेकंड टाइम वो चढ़ने की कोशिश करता है, उसके हाथ से बेबी छूट जाता है, कि तभी वहां डिएगो आगे उस बच्चे को पकड़ लेता है। मैनफ्रेड उस बच्चे को उससे छीन लेता है, जिस पर डिएगो कहता है, ये पिंक चीज मेरी है। जिस पर सिड कहता है, नहीं, ये पिंक चीज हमारी है। डिएगो कहता है, ये कैसा कपल है?
बहुत ही अजीब कपल है, जिस पे मैनफ्रेड कहता है कि हमारी मत कहो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। डिएगो उनसे बोलता है कि ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे इसके घर तक पहुंचा दूंगा। जिस पर सिड उसके दांतों पर कमेंट करता है और डिएगो उसे गुस्से से देखता है। सिड इस पर कहता है कि ये बिल्ला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो सबका दिमाग पढ़ता है। डिएगो अपना परिचय देता है और मैनफ्रेड से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, बट मैनफ्रेड उसे मना कर देता है। इस पर डिएगो कहता है, फाइन, अगर तुम इंसानों को ढूंढ रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो लोग तो यहाँ से जा चुके हैं। मैनफ्रेड कहता है, शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। और सिड को बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर उसके बाद तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। जिस पे सिड कहता है, ओके। फिर सिड और मैनफ्रेड वहां से पहाड़ी पर जाते हैं, जहां देखते हैं कि इंसान यहाँ से जा चुके हैं। उनके पीछे पीछे डिएगो भी आता है और उनको बोलता है, तुम लोगों को क्या पता ट्रैकिंग के बारे में। फिर से वो बोलता है, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इंसानों के पास सेफली इसे पहुंचा दूंगा। जिस पे मैनफ्रेड कहता है, नहीं, हम चले जाएंगे। दरअसल डिएगो बच्चे को बार बार इसलिए मांगता है क्योंकि वो उसे अपने सरदार सूडो को देना चाहता है और उसे सुबह के नाश्ते में खाना चाहता है। फेड, जो कि एक समझदार हाथी है, वो कहता है कि सबको पता है कि ग्लेशियर पास के बाद इंसानों की बस्ती है। बच्चे को सिड के पास देता है। सिड जिस पे डिएगो को कहता है कि सियान बिल्ली खंभा नूचे, और उसका मजाक बनाने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इसी मैनफेड बोलता है कि डिएगो भी हमारे साथ चलेगा, ये हमें रास्ता दिखाएगा, जिससे सिड थोड़ा डर जाता है और मैनफेड के पास भाग जाता है। अब काफी टाइम बीत चुका था, इसलिए बच्चे को भूख लग गई थी। वो बच्चा रोने लगता है, तभी उन लोगों को समझ नहीं आता है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। जिस पे मैनफेड कहता है, शायद इसने इंसानों वाली वो चीज पहनी होगी। तो जिस पे सिर्फ चेक करता है, वो देखता है बच्चे ने पॉटी कर दी है और वो उसकी पॉटी साफ करता है। बच्चा फिर भी रो रहा होता है। जिस पे सिर्फ बोलता है, शायद इसे भूख लगी है। तभी मैनफेड इधर उधर देखता है, उसे एक वाटरमेलन दिखता है, यानी कि तरबूज दिखता है। मैनफेड उसको उठाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ एक डोडो पक्षी आके वहां से तरबूज लेके भाग जाती है। मैनफेड और डिएगो और सिड उसके पीछे पीछे जाते हैं, देखते हैं वहां पे ढेर सारे डोडोज हैं। लोग उनसे एक मेलन मांगते हैं, बट वो मना कर देते हैं, जिससे वो लोग उनसे फाइट करते हैं। बहुत ही मजेदार और लाइक अ गेम फाइट होती है उनकी। फिर उसके बाद लास्ट में उनको एक वाटरमेलन मिल जाता है और सभी डोडोज एक एक करके वहां खत्म हो जाते हैं। वो तीनों काफी टाइम से चल रहे होते हैं, इसलिए सिड को भूख लग गई थी और रात भी हो गई थी। सिड खाने की तलाश में इधर उधर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है और वो चुपचाप आके वहां सो जाता है। और तभी देखते हैं हम टाइगर वहां बच्चे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और अपने दोस्त से कहता है कि सूडो से कह दो, मैं एक हाथी लेके आ रहा हूँ। सुबह हो चुकी होती है। सिड बच्चे को लेकर फीमेल स्लॉथ्स के पास जाके फ्लर्ट कर रहा होता है, तभी वहां पे मैनफ्रेड आ जाता है और बच्चे को लेके चला जाता है। सिड उसे कहता है कि इसे मुझे दे दो और थोड़ी देर उन लड़कियों से मुझे बात करने दो, जिस पे मैनफ्रेड उसे मना कर देता है। सिड वापस उन लड़कियों के पास जाता है, बट वहां पे अब कार्ल और फ्रैंक आ गए हैं। सिड वहां से भागते हुए डिएगो के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है और कार्ल और फ्रैंक को बेवकूफ बना के वहां से भेज देता है। अब वो तीनों आइस एज पहुंच गए होते हैं। वहां पे उन्हें एक गिलहरी मिलती है, जिस पर मैनफ्रेड उससे जाके रास्ता पूछता है। गिलहरी उसे इशारे में रास्ता बताने की कोशिश करती है कि तभी डिएगो उसे लात मार के पहाड़ पे फेंक देता है। डिएगो थोड़ा आगे जाके देखता है, उसे इंसान दिखते हैं, लेकिन वो उन दोनों से आके झूठ बोल देता है और दूसरे रास्ते से ले जाता है। वो रास्ता एक गुफा जैसा था, जहाँ पे काफी बर्फ जमी हुई थी और सभी जानवर वहाँ पे बर्फ में फ्रीज हो गए थे। तभी वो बच्चा एक बर्फ की स्लाइड में फिसलने लगता है। वो लोग उस बच्चे के पीछे पीछे जाते हैं और एक मजेदार स्लाइड राइडिंग करते हुए बाहर निकलते हैं और दूसरे गुफे में आ जाते हैं। दूसरे गुफा में वो लोग देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी ड्राइंग्स बनी हुई है, जिसमें से एक ड्राइंग मैनफ्रेड की फैमिली की होती है, जिसपे सिड उसे बताता है और मैनफ्रेड आके वो सब देखने लगते हैं और इमोशनल हो जाते हैं ये लोग। मैनफ्रेड याद करता है कि कैसे उसकी फैमिली में उसके बच्चे और उसकी वाइफ को शिकारियों ने मार दिया और वो रोने लगता है। फिर हम बच्चे के फादर को देखते हैं, जो सारी उम्मीद छोड़ चुका था
और वहां पे नीचे लॉकेट रख देता वो है। तीनों अब हैपिक पहुंच चुके थे। उसके बाद ग्लेशियर पास था। तभी सिड को पैरों में कुछ गरम गरम सा लगता है। वो देखते हैं कि वहां पे बर्फ टूटने लगी है और वहां से वो भागने लगते हैं। तभी मैनफ्रेड कहता है, ये तो एक लावा की नदी है, यहाँ से जान बचाकर भागो। वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। मैनफ्रेड अपनी जान पर खेल के डियोगो की जान बचाता है, जिस पर डियोगो उसे पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। मैनफ्रेड उस पर बोलता है कि जब हम एक साथ रहते हैं तो यही करते हैं, एक दूसरे की मदद। वहीं दूसरी तरफ सूटो और उसके साथी डियोगो का इंतजार कर रहे होते हैं, जो हाथी को वहां लेके जा रहा है। अब हम देखते हैं कि वहां पे स्नोफॉल होने लगी है। उन तीनों और उस बच्चे को काफी ठंड लगती है, इसलिए वो एक जगह पे जाके रुकते हैं, जहाँ पे सिड अपनी एक ड्राइंग बनाता है। और ड्राइंग बनाते बनाते वहाँ पे आग जल जाती है, जिसे सिड अपने आप को जीनियस कहता है। फिर वो लोग वहाँ पे बैठ के आग सेकते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा अब धीरे धीरे चलने लगा है, जिसपे उन तीनों को बहुत खुशी होती है। वो बच्चा डिएगो के पास आता है। डिएगो उसे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तीनों वहीं सो जाते हैं। फिर वहाँ वो गिलहरी आती है अपने नट को गर्म करने के लिए, जिससे उसका नट जो है वो फूट जाता है। अगली सुबह डिएगो उन दोनों को और उस बच्चे को वहां से हाफ पेग ले जाता है, जहाँ पे उसके साथी इंतजार कर रहे थे। मैनी को पता चल जाता है कि डिएगो ने उनसे झूठ बोला है। मैनी उसे मारने की कोशिश करता है, पर डिएगो उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरा विश्वास करो। अब मैनफ्रेड और सिड का दोस्त बन चुका है, इसलिए वो अपने टाइगर दोस्तों से उन दोनों के लिए फाइट करता है और जख्मी हो जाता है। मैनफ्रेड और सिड से कहता है कि तुम यहाँ से इस बच्चे को लेके चले जाओ, वरना तुम इंसानों तक नहीं पहुंच पाओगे। जिसपे मैनफ्रेड और सिड उसको छोड़ के वहीं उस बच्चे को लेके चले जाते हैं। फिर वो इंसानों से मिल जाते हैं, जहाँ इंसान उन पे अटैक करने लगते हैं कि तभी मैनफ्रेड के हाथ में बच्चा देखते हैं और वो लोग रुक जाते हैं। मैनफ्रेड उन्हें बच्चा थमाता है और वो थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, और वहां से वो जाने लगते हैं। मैनफ्रेड को शुक्रिया बोलता है और वहां से अपने बच्चे को लेके चला जाता है। तभी हम देखते हैं उनके पीछे डिएगो भी आ चुका है। अब वो तीनों वहां से चले जाते हैं और सिड उस पर बहुत खुश होता है। अब वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम फिर से उसी गिलहरी को देखते हैं। अब वो नारियल को बहुत तेज से जमीन में घुसाती है, जिससे जमीन क्रैक हो जाती है और एक वॉल्केनो निकलता है, और ये मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।